हेलो गाइस, आप में से कुछ लोगों के पास मेरी ईमेल गई थी रिसेंटली और मेरे पास ये क्वेरी आई थी, हाउ डू आई सेंड सच ईमेल्स। तो मुझे लगा आज मैं आपको बताती हूँ आप कैसे बल्क में पर्सनलाइज्ड मेल्स भेज सकते हो और क्या क्या फायदे हो सकते हैं इन ईमेल सॉफ्टवेयर्स के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप, अगर आपको एक ईमेल भेजने का तरीका चाहिए तो आप पहले तो डिसाइड करो कि आपको कौन सा मेलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। मार्केट में बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मेल चिम्प है, कन्वर्ट किट है, उसके अलावा आप जीमेल के थ्रू भी बहुत सारे बल्क मेल्स विथ पर्सनलाइज्ड नेम भेज सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से तरीके में खुश हो, कौन सा तरीका प्रेफर करते हो। अब क्योंकि मैं पर्सनली कन्वर्ट किट यूज करती हूँ तो मैं डिटेल्स में आपको दिखाऊंगी आपको कन्वर्ट किट पे कैसे आप ईमेल आईडीज कलेक्ट कर सकते हो और कैसे आप लोगों को बल्क में मेल्स भेज सकते हो। अगर आपके 1000 तक के सब्सक्राइबर्स हैं और आपको प्रीमियम बेनिफिट्स नहीं चाहिए कन्वर्ट किट के ना, इन दैट केस आपके लिए बिल्कुल 100% फ्री रहेगा ये अकाउंट। और आप साइन अप करने के लिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उसको डायरेक्टली क्लिक कर लो और वहीं से आप साइन अप कर लो। क्योंकि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एडेड हैं एंड आई डोंट वांट किसी की भी इन्फॉर्मेशन गलती से भी ऑनलाइन चली जाए, तो इसलिए यहाँ पे हम डमी अकाउंट बना के पूरा प्रोसेस करेंगे। तो convertkit.com पे जाकर आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कोई भी अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो। मेरे पास एक पुरानी ईमेल आईडी पड़ी है जो हम आजकल यूज़ नहीं कर रहे, तो उसी ईमेल आईडी को मैं यहाँ डाल रही हूँ। एंड पासवर्ड आप अपने हिसाब से जो मर्जी क्रिएट कर सकते हो। अब ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आप अगर ऑलरेडी किसी और प्लेटफॉर्म से यहाँ माइग्रेट कर रहे हो तो आपकी सारी ईमेल आईडीज और सब कुछ माइग्रेट हो जाएगा, बट अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो यू कैन राइट आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट। उसके बाद आपका ऑडियंस साइज पूछा जाएगा, YouTube, Instagram, जहाँ पे जितने भी आपकी ऑडियंस है उस हिसाब से आप क्लिक कर सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर सर्वे, आप कुछ भी क्लिक कर सकते हो। तो अब आपका अकाउंट बन चुका है और एक बार आपका अकाउंट बन जाए उसके बाद आपको क्या करना है अब मैं आपको बताती हूँ। पहले सबसे पहले आपको ईमेल आईडीज कलेक्ट करनी होगी बिफोर सेंडिंग ईमेल। तो कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप लैंडिंग पेज बना सकते हो या आप डायरेक्टली गूगल फॉर्म या किसी और मीडियम से भी कलेक्ट करके इसमें एंटर कर सकते हो। तो पहले मैं आपको बताती हूँ आप एंटर कैसे कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे ना आपके पास ऐड सब्सक्राइबर्स का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे ऐड सब्सक्राइबर्स पे क्लिक कर दो। ठीक है, आपको जो भी टैग का नाम क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं रजिस्ट्रेशन और कंसल्टेशन के अलग अलग सब्सक्राइबर्स रखती हूँ, प्लस ऑडियंस बिल्कुल अलग रखती हूँ। अगर आपके पास बहुत सारे लोगों का डेटा है ना तो आप डायरेक्टली CSV फॉर्म में, तो अगर आपके पास एक्सेल में डेटा है ना तो उसको सेव एज CSV कर देना और इसमें आप अपलोड कर सकते हो। ध्यान रखना उसके ऊपर जो हेडिंग है वो ईमेल और मोबाइल नंबर और नेम, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली लिखना, स्पेशली ईमेल और नेम जो डेटा यूज़ करेगा। हम यहाँ पे सिंगल सब्सक्राइबर ऐड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नेम एंटर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एंटर माई ओन नेम, ठीक है, और मैं अपना ही ईमेल आईडी डाल रही हूँ। तो मैंने डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर दी है। उसके बाद आप चूज कर सकते हो वो कौन सा टैग चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक एक ही टैग क्रिएट किया है ना तो इसमें से वही दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास मल्टीपल टैग्स हैं तो आप उसमें से टिक कर सकते हो कि आपको कौन सा टैग चाहिए। उसके बाद बस सेव पे क्लिक कर दो। तो इस तरीके से डायरेक्टली आपके सब्सक्राइबर्स ऐड हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी हमारे पास ऑलरेडी ईमेल आईडी नहीं होती, जैसे मेरे पास आप में से बहुत सारे लोगों की ईमेल आईडी नहीं है, तो अगर आप अपनी ईमेल आईडी मुझसे शेयर करना चाहते हो, आप चाहते हो मैं आपको वीकली मेल अपडेट्स भेजूं, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करते ही आपको एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की चेकलिस्ट भी मिल जाएगी, तो इसलिए ट्राई करना कि डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर हो तो। अब जो दूसरा तरीका है वो है लैंडिंग पेज क्रिएट करके। तो आप लैंडिंग पेज पे क्लिक करो, ठीक है, लैंडिंग पेज पे जाके आप एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो, एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको वेबसाइट पे कुछ डेटा डालना है, मतलब वेबसाइट आपको ऑप्शन देना है वेयर पीपल कैन गो एंड एंटर देयर डिटेल्स, तो आप एक फॉर्म क्रिएट करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना तो आप लैंडिंग पेज भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको लैंडिंग पेज क्रिएट करना सिखा रही हूँ, इनकेस आपकी वेबसाइट नहीं है तो भी आप ये लैंडिंग पेज यूज कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स के ऑप्शंस आएंगे, आपको किस तरीके का लुक चाहिए या आप इमेजेस, कलर्स, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट।
तो हम एक सिंपल सा कोई ले लेते हैं अभी के लिए, ये वाला ले लेते हैं लेट्स से। तो इस पर्टिकुलर पेज में आप यहाँ पे इमेजेस चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो जिस भी तरीके से आपको चाहिए। एंड यहाँ पे हम एडिट नहीं करते पर आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट हो ना अकॉर्डिंगली आप इमेज रिप्लेस भी कर सकते हो, मतलब न्यू इमेज भी ढूंढ सकते हो। इनफैक्ट आप ऑनलाइन यहाँ पे अनस्प्लैश पे क्लिक करके सर्च भी कर सकते हो अगर आपको कोई पर्टिकुलर इमेज चाहिए। तो जैसे यहाँ फेस की जगह मैंने एप्पल की इमेज ले ली है और मैं इस इमेज को यूज़ कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेज आ गई है इंस्टेड ऑफ दैट फोटो। ठीक है, उसके अलावा आपको बैकग्राउंड चेंज करना है आप वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये बैकग्राउंड है, सिमिलर वे में आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड हटा भी सकते हो, सिर्फ एक कलर रख सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे कलर कोड डाल के भी डाल सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से जो भी आपको कलर पसंद आए। ठीक है, अभी हम ये वाला कलर रखते हैं। सब्सक्राइब बटन में भी आप उसी तरीके से चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज कलर्स और यू कैन ऐड समथिंग, लेट्स मेक इट ब्लैक फॉर द टाइम बीइंग। फॉन्ट कलर भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है कि आपको सब्सक्राइब करवाना है वो भी आप चेंज कर सकते हो। सब्सक्राइब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये वाला भी आप इसकी जगह भी ये कर सकते हो कि अगर आप कोई उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हो तो डाउनलोड नाउ लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके का बटन दिखाना चाहते हो। और यहाँ पे जो साइड में टेक्स्ट लिखा हुआ है आप वो भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, डाउनलोड चेकलिस्ट लेट्स से, एंड हेयर यू कैन राइट सम डिस्क्रिप्शन, वॉट एवर यू फील लाइक, आप जो भी लिखना चाहो। अब मेन चीज़ पे आते हैं जो है यहाँ की फील्ड। ये एड्रेस की फील्ड तो कंपलसरी होती है, उसके अलावा आप टैग या कस्टम फील्ड, इन दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो। अगर आपका फ्री अकाउंट है तो आपकी कस्टम फील्ड्स दो ही हैं, एक है आपका नेम और एक है ये ईमेल एड्रेस। तो फर्स्ट नेम की जगह आप फुल नेम ये चीज़ एडिट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके से डिटेल्स चाहते हो। उसके अलावा आपको जो भी ऐड करना है ना आप वो टैग के फॉर्म में ऐड कर सकते हो, जैसे कि मल्टीपल टैग्स के ना ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे आपको टिक करने पड़ेंगे। ठीक है, लेबल करना है कुछ तो आप लेबल भी कर सकते हो, चूज टैग। तो यहाँ पे आप चूज सर्विस भी लिख सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज के नाम डाल सकते हो जहाँ से आपके जो व्यूअर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं वो ईजीली चूज़ कर पाएँ। तो इस तरीके से आपकी जो फॉर्म है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपको सिर्फ पब्लिश करना है और ये लिंक आप जहाँ चाहो शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने डाउनलोड नाउ लिखा है तो आपको डेफिनेटली उनको कुछ इंसेंटिव भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो और भी बहुत सारी डिटेल्स है, जैसे कि जैसे ही आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद कोई मैसेज आना चाहिए या किसी और लिंक पे आप भेजना चाहते हो, कहीं आपने ड्राइव में कुछ डाल रखा हो तो आप डायरेक्टली लिंक डाल सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा आप अपना डोमेन नेम, जो भी लैंडिंग पेज का डोमेन है वो भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। इंसेंटिव मेल भी भेज सकते हो जिससे डायरेक्टली आपके कस्टमर्स के पास मेल चल जाएगा विथ पर्टिकुलर जो भी आप इंसेंटिव दे रहे हो, चेकलिस्ट दे रहे हो, जो भी चीज़ दे रहे हो। तो ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पे ये चीज़ पब्लिश कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अब आता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप जो है ईमेल सेंड करना। आप बल्क में ईमेल्स कैसे भेज सकते हो, उसके लिए आपको सीधा सेंड पे क्लिक करना है और सीक्वेंसेस क्रिएट करने के लिए आई थिंक यू नीड अ प्रीमियम अकाउंट। बट उसके अलावा आप ब्रॉडकास्ट यानी कोई ईमेल तो भेज ही सकते हो मल्टीपल लोगों को। तो लेट्स सी आप किस तरीके से ईमेल ड्राफ्ट करो ताकि लोगों के पास एक पर्टिकुलर वे में जाए। तो न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट लाइन लिखनी है अपनी ईमेल की आप लिख सकते हो, जैसे भी कंटेंट लिखना है अपने हिसाब से लिख सकते हो। बट मैं आपको जो मेन चीज़ बताना चाहती हूँ वो ये है डियर, उसके बाद आप पर्सनलाइजेशन कर सकते हो, मतलब सब्सक्राइबर का फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। या फिर अगर आपके पास सारे सब्सक्राइबर्स का फर्स्ट नेम नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोगों का नहीं है, तो उसमें आप कंडीशन भी डाल सकते हो, जैसे कि ये देखो सब्सक्राइबर फर्स्ट नेम, सब्सक्राइबर फर्स्ट नेम अगर है, अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली देयर आएगा। इसकी जगह आप कुछ भी और एंटर कर सकते हो, फूड ब्लॉगर इफ़ यू आर सेंडिंग मेल टू फूड ब्लॉगर्स, तो इस तरीके से। उसके अलावा आप अपने जितना भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो वो मॉडिफाई कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको कोई इमेज ऐड करनी है, आपको कोई बटन ऐड करना है, कोई लिंक ऐड करना है, यूट्यूब वीडियो ऐड करना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे करके लास्ट में कंटिन्यू कर सकते हो। सो अभी के लिए हम कंटिन्यू करते हैं। सब्जेक्ट लाइन देखो, ये आपको खुद ही प्रॉम्प्ट करेगा सब्जेक्ट लाइन के लिए, तो आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर
आप अभी के अभी नहीं भेजना चाहते, मान लो आप चाहते हो संडे को ये ईमेल जाए, लेकिन आपके पास आज ही टाइम है ड्राफ्ट करने का, तो यहाँ एडिट करके आप टाइम और डेट सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कब चाहते हो आपका ईमेल ब्रॉडकास्ट हो। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को या सब्सक्राइबर्स को पर्सनलाइज्ड ईमेल भेज सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि किस तरीके से ईमेल लिखना चाहिए या फॉर्मल ईमेल्स कैसे लिखते हैं, तो भी आप मुझे बताना। और अगर आप लैंडिंग पेज से खुश नहीं हो और आपको एक प्रॉपर वेबसाइट चाहिए, तो आप मुझे वो भी बताना। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स ऑल्सो। तब तक के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, और उसके साथ साथ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। एंड आई हैव सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, सो मेक श्योर टू चेक देम आउट।